दोस्तों, क्या आपने कभी शालीमार पेंट का प्रोडक्ट यूज किया है? अगर आपने यूज किया है तो आपको पता ही होगा कि दोस्तों आपको शालीमार पेंट के प्रोडक्ट पे आपको एक टोकन मिलता है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, जब भी आप शालीमार पेंट के किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अगर आपने यूज किया होगा तो आपको मालूम ही होगा कि उसमें एक टोकन मिलता है जिसे आप में से बहुत से लोग अभी तक बेकार समझकर फेंक देते थे, या कि दोस्तों अगर आपको मिलता भी था तो दोस्तों आपको सही यूज नहीं मालूम था, कैसे आपको यूज करना है, कैसे इस टोकन से आपको पैसे कमाने, आपको ये नहीं मालूम था। दोस्तों, अगर आपको भी सच में अभी तक ये नहीं मालूम था कि आपको शालीमार पेंट के टोकन से पैसे मिलते हैं, तो दोस्तों आप आज की ये वीडियो जरूर देखिएगा। फिर दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों आपको शालीमार पेंट पे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे दोस्तों आपको शालीमार पेंट के टोकन को स्कैन करना है, और कैसे शालीमार पेंट के टोकन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मैं सब कुछ अपने वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अगर देखिए और वीडियो कहीं से मत करिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश टैकिंग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने चैनल पर कुछ जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप आई चैनल को सब्सक्राइब भी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया ताकि दोस्तों आपको ऐसा ऐसी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए। साथ में दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो सिंपली आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और दोस्तों, अगर आपको शालीमार पेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को ज्यादा कमेंट आया तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें दोस्तों मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन तुरंत ही दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, शालीमार पेंट के किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने यूज सच में किया है तो आपको एक टोकन जरूर मिलता है। दोस्तों, जो टोकन मिलता है उसको अगर आपको स्कैन करना है या कि उसके पैसे को लेना है, अगर आपको नहीं मालूम इसके पैसे कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों बता दूं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है शालीमार पेंट में। फिर दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करना होता है टोकन को। फिर दोस्तों, आप कहीं जाकर अपने पॉइंट को या टोकन के जो भी पैसे मिलते हैं उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे मोबाइल फोन से स्कैन करना है टोकन को, कैसे पैसे लेने हैं, ये सब नहीं मालूम होता है। वो सिंपली क्या करते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं दुकानदार के पास, टोकन देते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस केस में दो प्रॉब्लम आ जाती है आप सभी के सामने। आप में से बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि किस दुकान से मटेरियल आया, क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वो पेंटर ही होंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से मालूम होगा कि अगर किसी को अपने मकान में पेंट करवाना हुआ तो वो डायरेक्टली दुकानदार से लाता है, आप लोगों को देता है, और आप लोग सिंपली उसके मकान पे पेंट कर देते हैं। इस केस में क्या होता है, बहुत से मकान मालिक अपने पेंटरों को बताते नहीं कि उन्होंने सामान कहां से परचेस किया है, इससे दोस्तों पेंटर लोग टोकन को रिडीम नहीं करवा पाते हैं। हालांकि कुछ मकान मालिक ऐसे भी होते हैं जो कि अपने पेंटर को साथ लेके जाते हैं दुकान पे साथ में सामान परचेस करवाते हैं, और फिर दोस्तों अपने मकान पे लेके आते हैं, फिर दोस्तों अपने मकान पे पेंट करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको दुकान मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम है तो दोस्तों आपको यही नहीं मालूम टोकन को कहां से रिडीम करवाए। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन से टोकन को स्कैन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, तो वो वीडियो करीब एक साल से ज्यादा हो गई है। दोस्तों, अभी आप थंबनेल देख सकते हैं, दोस्तों मैंने इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन दोस्तों, अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है शालीमार पेंट में। ये वीडियो में मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताया था तब दोस्तों वो वैसे ही काम करता, और अब रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब आपको क्या करना होगा कि आपको अपने नजदीकी शालीमार पेंट के डीलर के पास जाना होगा, वहाँ पर जाकर आपको उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते थे, लेकिन अब दोस्तों आपको उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन जैसे ही उनसे करवा लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपकी आईडी बन जाएगी, केवाईसी वगैरह वही कर देंगे। केवाईसी करने के बाद और फिर दोस्तों आप टोकन को स्कैन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, पैसे को रिडीम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इंडिया के किसी भी स्टेट पे चले जाइए, किसी भी जिले पे चले जाइए, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है।
हैं, कहीं भी आप टोकन को स्कैन करके अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने बता दिया है। अभी भी दोस्तों अगर रजिस्ट्रेशन डीलर नहीं करता है तो सिंपली आप मुझे कमेंट करके, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें दोस्तों मैं रजिस्ट्रेशन का इजी प्रोसेस बता दूंगा आपको कि कैसे आपको अगर दुकानदार रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो आपको कैसे करवाना है। तो सिंपली दोस्तों शालीमार पेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कॉर्नर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।